तो मुख्तार अंसारी की कौमी एकता दल का बहुजन समाज पार्टी में विलय हो गया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने माफिया मुख्तार अंसारी को पार्टी में शामिल करते हुए मऊ सदर सीट से उन्हें प्रत्याशी बनाए जाने का ऐलान कर दिया है। मायावती ने साथ ही मुख्तार के बेटे और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अब्बास अंसारी और भाई सिगबतुल्ला अंसारी को भी पार्टी में टिकट दिया। इस दौरान मायावती ने साफ किया कि इन पर दर्ज ज्यादातर मुकदमे राजनीतिक द्वेष की वजह से दर्ज करवाए गए। उन्होंने कहा कि कृष्णानंद राय हत्याकांड में शामिल होने का आज तक कोई सबूत नहीं मिला है। आइए आपको सुनवाते हैं कौमी एकता दल के बीएसपी में विलय होने के मौके पर मायावती ने क्या कहा। प्यार अंसारी के परिवार ने, पूरे परिवार ने बीएसपी के झंडे व बैनर के तले एमपी व एमएलए आदि के चुनाव भी लड़े थे, ये भी आप लोगों को जानकारी है। लेकिन कुछ समय के बाद सपा के दबाव में आकर फिर इनको बीएसपी से अलग होना पड़ा और जिसका इन्होंने अब पश्चाताप भी किया है, जिसे ध्यान में रखकर ही आज पुनः इनको बीएसपी में शामिल किया जा रहा है। मऊ सदर विधानसभा की सीट से वर्तमान सिटिंग एमएलए मुख्तार अंसारी को टिकट दिया जा रहा है और साथ ही घोसी की सीट से नई व नौजवान पीढ़ी को भी राजनीति में आगे लाने के उद्देश्य से इनके अपने खुद के बेटे अब्बास अंसारी को, जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, जिन्होंने दो बार राष्ट्रीय गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया है, इनको भी टिकट दिया जा रहा है। तथा गाजीपुर जिले की मोहम्मदाबाद विधानसभा की सीट से इनके बड़े भाई सिबगतुल्ला अंसारी, जो वर्तमान में सिटिंग एमएलए हैं, इनको भी यहां से टिकट दिया जा रहा है।